ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई, जैसे कि एक बच्चे को पहले आप गणित में सिखाते हैं कि 2 और 2 4 है, उसके बाद उसको एक सवाल आप दे देते हैं, उसको कहते हैं कि इस सवाल का आप जवाब ढूंढ के निकालिए, यह सवाल आपको हमने दिया है, ये प्रश्न हमने आपके सामने रखा है, इस प्रश्न का हल आप निकालिए। इसी प्रकार परमात्मा ने आपको इसलिए स्वतंत्रता दी कि जीवन का प्रश्न जो है उसे आप अपनी बुद्धि से ही साधें। सब मनुष्य में बुद्धि होती है, बुद्धि में जब तक सुबुद्धि नहीं होती, विजडम नहीं होती है, तब वो बुद्धि किसी काम की नहीं। सुबुद्धि भी मनुष्य में होती है, जन्मता ही उसमें सुबुद्धि भी होती है, लेकिन मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में इसे खो बैठता है। सुबुद्धि आपके अंदर होती है और सुबुद्धि से जब आप किसी चीज में अपनी स्वतंत्रता में किसी चीज को आप खोजते हैं, जब आप स्वतंत्रता में इसको खोजते हैं, तब सुबुद्धि होने पर आप बराबर बीचों बीच मार्ग में रहते हैं, जिसे कि हम सुषुम्ना का पथ कहते हैं, जिसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का मैनिफेस्टेशन होता है। अब जो लोग इस सुबुद्धि से अपरिचित हैं, या जिन्होंने उसको तिलांजलि दे दी, इस विजडम से पार हो गए, वो एक तो राइट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं। अब इस लेफ्ट हैंड की ओर हमारा अतीत है, हमारा अतीत, हमारा पास्ट लेफ्ट हैंड की तरफ में, जो कुछ हमने आज तक किया है वो सब हमारे लेफ्ट में है, हमारी ईड़ा नाड़ी में पूरा की पूरा स्थित है। इसी से जो संस्था बनती है, जिसे कि हम मन कहते हैं या सुपरिगो कहते हैं, आपने बहुत बार सुना हो, लोग कहेंगे मेरा मन नहीं चाहता ना, ये मन है क्या? ये मन आप नहीं है, ये मन है। लोग कहते हैं भाई मेरा मन नहीं चाहता है करने को, ये आपके बचपन से बैठे हुए संस्कार, बचपन से बैठे हुए दिमागी जमा खर्च, और पूर्व जन्म के भी बैठे हुए जितने भी आपके अनुभव हैं, सारे ही आपके लेफ्ट साइड में बैठे हो, अच्छे बुरे सब तरह के आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, और आपके राइट हैंड साइड में आपका भविष्य है। राइट हैंड साइड में आप जो सोचते हैं आगे का, ये करने का है, प्लानिंग करने का है, ऐसा करने का है, वहां जाने का है, इसे मिलने का है, ये सारा कुछ आपके राइट हैंड साइड में होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर की चिंता करना कि हमारा शरीर कैसा ठीक रहेगा, और इस शरीर में ये तकलीफ है, और किसी आने वाले मृत्यु से डरना, आदि सब राइट हैंड साइड में हो जाता है। पर सुषुम्ना जो बीच का स्थान है, वो है आपका प्रेजेंट, माने वर्तमान, प्रेजेंट। अब मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त रुक जाएं, इसी वक्त यहां पर आप रुक जाएं, तो हो नहीं सकता। रियलाइज सोल्स को होगा, बाकी नहीं रुक सकते, क्योंकि एक विचार रुकता है फिर वो खत्म हो जाता है, आप उसका उठना देखते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते, दूसरा विचार उठता है वो भी गिर जाता है, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो विलंब है, वही प्रेजेंट है। जो उठा विचार और गिर गया, वो तो अतीत में चला गया, वो तो पास्ट में चला गया, और जो विचार आने वाला है वो सामने के लिए बना हुआ है, वो आपके भविष्य में, फ्यूचर में चला गया। लेकिन जो इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, जिसे विलंब कहते हैं, वो जगह वहीं प्रेजेंट है, और वो हर इंसान में इतनी छोटी सी होती है कि इंसान ज़्यादातर एक विचार के खोपड़ी पे आए नहीं कि दूसरे पे कूदा, तीसरे पे कूदा, चौथे पे कूदा, बस हर समय कूदते ही रहता है, इसलिए वो अंदर उतर नहीं पाता है। और यही चीज़ जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, तो ये दोनों ही मन और अहंकार को ऐसे नीचे निचोड़ लेती है कि ये दोनों ही चीज़ें एकदम से, जैसे कोई गुब्बारे में से हवा निकल जाए, ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और उसके कारण हमारा विलंब स्थापित होता है, इसलिए हम निर्विचार हो सकते हैं।